चैप्टर टू रिवीजन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना? तो ये मेन बुक से जो भी क्वेश्चन है एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, एक एक करके सॉल्व करते जाना, बीच में कोई भी रश मत करना, सबका नंबर आएगा एक एक करके आंसर देने के लिए, ठीक है ना? तो निकालो। एडिशन सब्ट्रैक्शन पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। अब ये कराना तो बनता नहीं है, 406 और 313 को ऐड करना है, ये तो कराना नहीं बनता है। नहीं सर। यस दो सर। क्वेश्चन करो, करो पहले एक तो सिक्स वाला करो और एक एट क्वेश्चन। तो जो भी यहाँ सिक्वेंस में पहले नंबर बैठा है आंसर बताते जाना, यहाँ लिखो पहले 580। सर कॉपी में लिखना है क्या? हाँ चाहो तो फेयर में लिख लो या चाहो तो रफ में लिखोगे तब भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करो ये फेयर कॉपी में ही लिखते चलो, क्योंकि पहले बुक चेंज थी है ना, तो उसमें हमने ये वाला नहीं किया था, सर तो मैं ये एक वाले बार क्वेश्चन कॉपी कवर में नहीं किया था, लिख रहा ये वाला पोर्शन कवर नहीं किया था जब चैप्टर पढ़ रहे थे, बुक चेंज थी पहले, तो फेयर में लिखो तो बैठा रहेगा। सर मैं एक बार कॉपी लेके आ रहा 580 प्लस 27 प्लस 306, पहले नंबर पे कौन बैठा है? मृदुराज सैनी, आंसर बोलो। सर लेकिन सर और मैं एक कॉपी क्वेश्चन लेके आ दिया रहा हुआ हूँ। है आप लोगों से, 364 माइनस नहीं प्लस 67 माइनस ये 199, सेकंड नंबर पे जो बैठा है, सेकंड नंबर बताइए आंसर। सॉल्व सभी को करना है, सिर्फ आंसर बोलने के लिए चूज किया गया था, सॉल्व सभी को करना है। खाली क्यों बैठे हो, सॉल्व करो भाई। सर मैं कर रहा हूं। सर पहले का आंसर सर 913 आया है। यस नाइन वन सर। थ्री चेक कर लेते हैं। तो एक से ज्यादा ऑपरेटर अगर सेम क्वेश्चन में प्रेजेंट है, मतलब कि एक से ज्यादा ऑपरेटर सेम क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है, तो एक एक करके सॉल्व करो। तो 580 और 27 को सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 607 6 11 प्लस 306, 0 और अगर हम इसे 7 ऐड करोगे तो 7 और 6 उड़ जाएगा तो साथ में 3 बन जाएगा, 1 ये आएगा तो 1001 और 6 और 3 9 बन जाएगा। हाँ तो ठीक है, सही बताया तुमने। नेक्स्ट 8, सर 8th वाले का ना आंसर ना फोर ना थर्टी एक एक करके बताने दो, तुम्हारा नंबर भी आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा, अभी सेकंड नंबर पे जो भी है यहाँ पे बताओ। ठीक है, नहीं ठीक है। सॉल्व सर सॉल्व पता आता नहीं कब ठीक है, कौन तुम ही सा। बताओ ठीक है जो तुम्हें सर पहले बता रहा था बच्चा, तुम ही बताओ। 232 चलेगा आना। नहीं सेकंड का आंसर है सर प्लीज वेट। सर मैं बताऊं कृतिका 232 232, देखते हैं एक बार, तो 367 प्लस 67 लिखा हुआ है, तो एक काम की बात यहाँ पर ये है, वैसे इतना हार्ड एंड टफ शायद ये क्या क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड में वैसे, लेकिन फिर भी स्टिल ध्यान रखो, फर्दर क्लासेस में तो काम आने ही वाला है। ये जो नंबर लिखे होते हैं इनके ऑपरेटर इनके आगे लिखे होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, मतलब प्लस है यहाँ पे, प्लस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस का सिंबल है, ठीक है ना? तो मतलब 199 माइनस लेके बैठा हुआ है, तो माइनस का ध्यान रहेगा वहां पे सॉल्व करते टाइम। और ये 364 तो प्लस का है, 67 प्लस का है, दोनों ऐड होने वाले हैं, तो 364 प्लस 67 करोगे तो पहले 1 बनेगा यहाँ, 431 और ये कितना बन जाएगा, आए थ्री सर।
और ये बन जाएगा बोलो 431, सही है। क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो 232 आ रहा है, ठीक है ना। 3199 3200 सही है, कर लीजिए कॉपी। सर बोर्ड मार्क्स से भी कर सकते हैं ना। कर लिया। नाइन ठीक है। टेंथ क्वेश्चन में दे रखा है कि 185 बॉयज एंड 162 गर्ल्स आर स्टडिंग इन एनी स्कूल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये कराना नहीं बनता है, दोनों का ऐड ही करना है। Yes sir. In a garden, yes, the number of roses, marigolds and jasmine plants are there. What is the total number of flowering plants? ये कराना नहीं बनता है। Yes sir. ये करो एक बार। 12th question. 12th question says Geeta's father is at the mart to sell pots. ध्यान बुक में रखना अपना। This time her father built 523 pots. Of which 484 were sold out, ठीक है? तो total number of pots कितने हैं? इस तरीके से क्वेश्चन करना हम एग्जाम में। टोटल पॉट्स हैं, बोलिए 523। सर 523। और यहाँ पे पॉट्स सोल्ड आउट कितने बेच दिए? 484। सर 484। कितने रह जाएंगे? माइनस पॉट्स लेफ्ट, लेफ्ट मींस कितने बच गए हैं, बराबर रह गए। तो ठीक है, टोटल ठीक है, टोटल में इतना काम तो कर लोगे। यस सर। तो यहां पे कैलकुलेशन वाला पार्ट हार्ड नहीं है, 39 कैलकुलेशन वाला पार्ट हार्ड नहीं है, इसको लैंग्वेज से मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हार्ड काम था, क्योंकि पहले तो समझ में आए कि 523 दे क्या रखा है, फिर 484 दे क्या रखा है, और उसके बाद निकालना क्या है, पहले ये समझ में आए तब तो आगे करोगे। तो इसलिए एटलीस्ट ये जो बुक है आरबीसी की जो बुक है, इन ये सारे क्वेश्चंस तो आपके निकलने चाहिए, और उसके अपार्ट अगर टाइम बचता है तो बच ही जाएगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है, मोर देन वन मंथ वी हैव ऑलरेडी, राइट। तो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए वैसे तो। इसे कॉपी करो और कॉपी क्या करो, आंसर निकालो पहले। सर निकाल लिया। निकाल लिया। निकल। यस सर, मैंने भी निकाल लिया। 39 बिल्कुल सही आंसर है। 39 पॉट्स बच गए जिन्हें बेचना भी बाकी है। यस सर हो गया। 11th क्वेश्चन नहीं, 12th क्वेश्चन ये हो चुका। 13 क्वेश्चन में हिंदी वाले सिलेबस हिंदी नंबर्स की बात कर रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे, अभी तक कैसे करते आ रहे थे सर, इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके जब आंसर निकालते हैं। बस क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किसे क्या बोलते हैं, हल्ला इतना तो याद करना पड़ेगा ना कि सर मैं क्या लिखता है। सर मैं जानता हूँ नंबर्स का, मतलब मैंने क्या किया, मतलब हाँ अगर डायरेक्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो पहले उसमें कन्वर्ट करो फिर वहां से उसमें, लेकिन आंसर इसी फॉर्मेट में लिख करके आओगे, कहने का मतलब ये। सर हो गया, हो गए ना 13 क्वेश्चन, और आ जाओ आगे आ जाओ। इसके बाद एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ एक्सरसाइज 2 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 तो बुक में कर लेना, देख लगा दे। पहला क्वेश्चन तो बुक में कर लेना, स्पेस जो दे रखी है वो इनफ है ना, पहला क्वेश्चन बुक में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्वेश्चन में ऐड करना है, ये जो कुछ कुछ नंबर दे रखे हैं, किसी पार्ट में 2 नंबर ही दे रखे हैं, किसी में 3 दे रखे हैं, तो ये करना बनता है। थर्ड क्वेश्चन भी होना चाहिए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करो एक बार, वर्ड प्रॉब्लम का फाइंड आउट द सम। फोर्थ क्वेश्चन करिए, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, फाइंड आउट द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो पहले पता चले कि 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट कौन सा है, फिर 3 डिजिट कौन सा है, और फिर उन्हें ऐड करोगे। 9 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
चार डिजिट बिगेस्ट है और नंबर है 9999 1100 सर 999 सबसे बिगेस्ट है सर 999 सबसे स्मॉलेस्ट 100 क्यों आएगा भाई दोनों नंबर के बीच में 999 1 9 9 1 9 9 1 9 9 8 1 9 9 8 यस सर ठीक है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा ब्लेसिंग भी कर दिया करो 10998 सही है यस सर यस सर जनवरी प्लस फरवरी का कलेक्टिव अमाउंट पूछ रहा है ये क्वेश्चन तो भाई क्वेश्चन में कैलकुलेशन हार्ड नहीं होने वाली है वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना समझ पाना कि क्या निकालना है माइनस करना है या प्लस करना है और अभी आगे जाओगे थर्ड चैप्टर में कल तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्वेश्चन आने वाला है तो सर इसमें प्लस करना है इस क्वेश्चन में वहाँ पे चैप्टर वाइज दे करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वहाँ पे कलेक्टिव पेपर बनेगा सारे क्वेश्चन एक साथ में मिक्सड अप होंगे तो वहाँ पता करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में माइनस होने वाला है किसमें मल्टीप्लिकेशन होने वाला है तो वो काम प्रैक्टिस से ही हो पाएगा जब दिमाग में आइडियाज हिट अगर आने लग रहे हैं तो मतलब कि प्रैक्टिस अच्छे से वर्क की है ना तो इसीलिए कह रहा हूँ बार बार इसीलिए बार पुश कर रहा हूँ इस बात पे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना ऐसा नहीं हो पाएगा कि हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना तो आसान काम है तो डायरेक्ट एग्जाम में क्रैक करेंगे ऐसा होता नहीं जनरली। सिक्स क्वेश्चन में अगेन कोई लड़का है उसने बाइसिकल परचेज की है 2999 रुपीस में और कोई एक और गर्ल है उसने एक और बाइसिकल परचेज की है फाइंड आउट एक्स्ट्रा मनी उस बच्चे को देने पड़े जिस बच्चे ने ज्यादा पैसे देकर के साइकिल खरीदी है उसने ऑब्वियसली ज्यादा पैसे दिए हैं तो उसमें उसके एक्स्ट्रा पैसे लगे होंगे तो वो निकालना है मतलब माइनस करना है इस केस में इतना समझ पा रहे हो यस सर यस सर ठीक है सर सेवंथ क्वेश्चन से सम ऑफ टू नंबर्स इज 7678 इफ वन नंबर इज 4613 देन फाइंड आउट द सेकंड नंबर सेवंथ क्वेश्चन अगर दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो एक जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो आंसर यहाँ साइन को माइनस करना है दोनों नंबर को 7 8 लेकिन एक नंबर दे रखा है दूसरा हमें निकालना है तो सर दोनों को माइनस कर दो आंसर और जिसको सर ऐड करना है ये निकालना है हमें ठीक है ना ये निकालना है तो इसका मतलब यहाँ जाकर के इसे इसमें से माइनस कर देंगे तो वो पहला नंबर निकल जाएगा यस सर सर निकल जाएगा यस सर निकल जाएगा एट क्वेश्चन मोहन हैज 10,000 रुपीज उसने कुछ गेहूं खरीदे इतने रुपए के कुछ चावल खरीदे इतने रुपए के हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम इसमें क्या करोगे सर माइनस टोटल पैसे लेकर के वो गया मार्केट में और उसने क्या किया कुछ परचेजिंग की तो टोटल खर्चा कितना हो गया उसका तो वीट खरीदने में उसे खर्चा हो गया है 4500 प्लस 1600 खर्चा हो गया है चावल खरीदने में पहले इसे ऐड कर देंगे फिर जो भी खर्चा होगा फिर वो इसमें से माइनस रहेगा यस सर हो जाएगा यस सर यस सर यस नेक्स्ट ड्यूरिंग थ्री फेजेस ऑफ पल्स पोलियो कैंपेन ये किसी जगह पर हो रहा है ऐसा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप्स आर दिस 8975 इन द फर्स्ट फेज इतने बच्चों को लगी फिर उतने बच्चों को लगी फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप इन द थर्ड फेज हां ठीक है हो जाएगा नहीं क्वेश्चन तो टोटल बच्चे हैं कितने सर एट क्वेश्चन की तरह हाँ बिल्कुल एट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सही बात है टोटल चिल्ड्रन है यहाँ पे कितने सर 8975 बाकी बच्चे सो रहे हो क्या 8975 ये टोटल बच्चे हैं इन द तीन फेज में मतलब पहले फेज में किसी कुछ बच्चों को लग गई है सेकंड फेज में कुछ बच्चों को ड्रॉप लग गई है थर्ड फेज में कुछ बच्चों को लगा नहीं है ठीक है 2780
सर 2780 2925 को ऐड करना है जो आंसर आएगा 8 9 10 10 माइनस करना है एग्जैक्टली इन दोनों को ऐड करो उसमें से माइनस कर दो समझ गए यस सर यस सर ठीक है नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में वही हिंदी वाले क्वेश्चंस आ गए 11th क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम बॉट एन एडमिरा फॉर दिस मच रुपीस और ये फिर टोटल निकालना है फाइनल जाकर के नीचे ना फिर 12th क्वेश्चन में हिंदी वाला 10th 13th क्वेश्चन एट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कौन सा ये जल्दी बोलो ये 4 है सर 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर अकॉर्डिंग तो वो क्वेश्चन जो सर 9999 और 1000 एग्जैक्टली ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को ऐड करना है माइनस करना है ऐड करना सर 9999 तो ग्रेटेस्ट बनेगा अगर 4 डिजिट बनाना चाहोगे तो वो 99 बनेगा और ये सर माइनस 1000 यहां भी होगा यहां का नंबर ही बेचारा कोलैप्स कर जाएगा तो यहां 1 देना पड़ेगा उसे और ये क्वेश्चन नंबर है 13 बोलो कुछ समझ नहीं आ रहा सर आ गया ये 9 बन जाएगा 9 बन जाएगा 10 बन जाएगा समझ गए यस यस सर यही आंसर आ रहा था ठीक है 14 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन एडिशन ऑफ टू नंबर इज दिस वन नंबर दे रखा है दूसरा निकालना है 16 क्वेश्चन है फॉर ठीक है 16 क्वेश्चन फिर से 8 क्वेश्चन जैसा हो जाएगा ठीक है देख रहे हो ना बुक में बुक तो होगी सभी के पास यस सर है यस सर यस सर ठीक है कल हम करेंगे चैप्टर 3 का रिवीजन और अभी हमारे पास टाइम है कुछ टाइम कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में नो सर एडिशन सबट्रैक्शन का कोई वर्ड प्रॉब्लम एक्सपेंशन ऑफ नंबर प्लेस वैल्यू प्लेसेस फेस वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कंपैरिजन कंपैरिजन सब डिवीजन चैप्टर क्या बात है ठीक है सर सर ये हिंदी नंबर्स में